हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को आगे जो प्रोड्यूस इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 7.4, इससे पिछली वीडियो में हमने फार्मूले को जो डेरिवेट किया था, ये जो है इस फार्मूले का यूज़ हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। इन सभी फार्मूले को हमने पिछली वीडियो में डेरिवेट किया है। आप लोग जो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर हमने नीचे जो इंडिकेट किया हुआ है पार्ट करके, तो उसमें आप जो है देख सकते हैं। तो वहाँ से ये फार्मूला जो डेरिवेट किया गया वो आप लोग जो वहाँ से देखिए। और फिर उसके बाद जो है इसे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से जो है एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्लास मैथमेटिक्स। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल मान पान माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन ऑफ डी एक्स, इसका इंटीग्रल हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से ये देखिए, अगर हम इसको 2 - x = t लेट कर लें, तो जो लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे। 2 - x = t डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स 2 - x = t का एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस एक्स का माइनस वन होगा, -1 = dt/dx, या dx का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -dx = dt, या माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो dx = -dt हमको मिलेगा। यानी इस इंटीग्रल में हम dx के प्लेस पे -dt लिख सकते हैं और 2 - x के प्लेस पे t लिखेंगे। तो यही चीज़ देखिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस ए डी एक्स के प्लेस में -dt लिखेंगे उस माइनस को हमने बाहर रखा है। ये 1/√2 - x के प्लेस पे टी रखेंगे स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, और ये dt हमने लिख दिया। ये देखिए हमारा जो 1/√t² + 1 dt, ये 1/√x² + a² dx का टाइप है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, तो 1/√x² + a² dx के फॉर्म का है। इसका जो इंटीग्रल होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो इसी फार्मूले का हमने यूज किया, माइनस की ऑलरेडी है ही है। इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग एक्स होता था, यहाँ एक्स होगा तो यहाँ हम एक्स लिखते थे, जब ये टी है तो यहाँ पर हम क्या टी लिखेंगे वेरिएबल के फॉर्म में, तो माइनस लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और प्लस सी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस लॉग टी जो है वो यहाँ से जो है पुट कर दीजिए 2 - x, और एक प्लस जो है रूट टी स्क्वायर है, टी जो है 2 - x इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस वन प्लस सी। ये माइनस है, इस माइनस साइन को हटाएंगे, जैसे ये रूट होता है लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लॉग एम, तो हो सकता है कुछ ही कुछ जो है जो माइनस यहाँ पे है माइनस वन जो है इसके फॉर्म में रहा होगा, यहाँ पे ये माइनस वन यहाँ पे रहा होगा, तो इसको जब नीचे करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम जब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/√ जब इसको नीचे कर देंगे तो ये पावर जो इसकी माइनस वन थी वो नीचे लाने पर प्लस हो जाएगी, यानी लॉग मॉड 2 - x + √2 - x का होल स्क्वायर प्लस वन और ए प्लस सी। ये 1/√2 - x प्लस इसका इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 का स्क्वायर 4 + x का स्क्वायर x² - 2ab, यानी -4x, और ये प्लस 1 ऑलरेडी दिया ही है और ये प्लस सी हो जाएगा। 1/√2 - x + ये एक्स स्क्वायर पहले लिख रहे हैं और ये -4x, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x² क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9 - 25x² dx। तो इसका यूज हमको करना है, तो ये देखिए 1/√a² - x² टाइप का बनेगा,
यानी इस फॉर्म का बनेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है एक है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 25 है, तो इसका गुणांक एक बनाने के लिए हम क्या 25 को कॉमन कर लें तो इसका एक गुणांक जो है एक बन जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√ इन यहाँ से इन दोनों से हम 25 कॉमन ले रहे हैं तो 9/25 से भाग हो जाएगी 9/25 माइनस यहाँ भाग हो जाएगा 25 कट जाएगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने एक्स। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जब एक गाड़ी से बाहर करेंगे तो इसको हम 1/5 बाहर लिख सकते हैं और यहाँ से हमको रूट के अंदर मिल गया देखिए 9/25 को हम लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब इसको आप कंपेयर करिए इससे ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डायरेक्ट ए स्क्वायर बराबर कितना है, अगर हम इसको इस तरह से ही लिखें तो ये कितना है 9/25 यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप बन मिल रहा है तो बराबर क्या है साइन इनवर्स एक्स वाई है, ये तो 1/5 रहेगा ये 1/5 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स आपका ये है ही है ए क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर है यानी आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 है तो ए कितना हो जाएगा रूट 9/25 यानी आपको यहाँ मिलेगा 3/5 तो ए के प्लेस पर हम क्या लेते हैं 3/5 लिख लेते हैं और प्लस जो है सी। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं 1/5 इंटू साइन इनवर्स ये 5 के ऊपर जाएगा जो है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x/3 और प्लस जो है सी, ये इसका क्या होगा आंसर होगा यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा यानी 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। आगे इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग 5 को देखते हैं और इसका आंसर एक बार जो मैच कर लेते हैं यानी 1/5 sin 5x/3 प्लस ये सही है। इसके बाद देखिए हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 3x/5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 + 2x^4 ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करें जो है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखें या किस तरह से इसको जो है एक्सपेंड करें ताकि जो छोटा हो जाए और इसको इजी फॉर्म में जो है लेने की कोशिश किया जाए ताकि आसान जो बने, तो आसान बनाने के लिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं जो है अगर इसको आसान बनाया जाए तो आसान ये कैसे बन सकता है इसको हम लिख ये सकते हैं कि 2x^4 है 2x^4 को हम क्या लिख सकते हैं अगर ये तो वीडियो भी साफ नहीं आ रही है साफ क्यों नहीं आ रहा मालूम है क्या बात है सही नहीं गया मुझे चलिए देखिए वैसे साफ कुछ हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगा रहे थे जो है इसमें दिया इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1 + 2x^4 dx इसका इंटीग्रल हमको फाइंड करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे हम जितना जो हम लोग पार्टिकुलर फंक्शन का फार्मूला डेरिवेट किए हैं वहाँ पे हर जगह जो है x^2 का गुणांक क्या है 1 है। यहाँ पे देखिए x^4 है इसका गुणांक 1 बनाने के लिए 2 को कॉमन करना होगा तो हमने 2 को कॉमन किया तो यहाँ 1/2 से डिवाइड करें 1/2 प्लस x^4 dx होगा ये 3 को बाहर 2 को बाहर करें 3/2 हो जाएगा इंटीग्रल x/1 + 2 + x^4 + x^2 dx लिखा जा सकता है। हमने x^2 जो है मान लिया और डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर दोनों टर्म जो दोनों
पक्ष को, यहाँ से क्या आपको x dx इक्वल टू dt मिलेगा, या x dx 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे dt by 2 हो जाएगा, यानी x dx जो है इसके प्लेस पे हम dt by 2 लिख सकते हैं, x स्क्वायर के प्लेस पे हम t लिखेंगे। तो जब dx dx के प्लेस पे dt by 2 रखेंगे तो 1 by 2 को हमने यहाँ बाहर रख दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 by 2 प्लस x स्क्वायर के प्लेस पे t रखेंगे, t स्क्वायर हो जाएगा, ये dt हो गया। तो dt by 2 x by 2 के प्लेस पे था, इसको हमने यहाँ कर दिया, तो ये 3 by 4 हो जाएगा। ये 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट है, यानी ये वाला रूट पे देखिए, तो यहाँ से क्या होगा कि ये रूट के अंदर में विदाउट रूट है ना, ये वाला टाइप है, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन tan inverse y प्लस c होता है, तो बराबर अपॉन a, ये a स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1 by 2 होगा, तो 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन √2 इनटू tan inverse x / a यानी t / a का मतलब 1 / √2 प्लस a, ये 3 / 4 को हम 2 इनटू √2 लिख सकते हैं, ये ऊपर चला गया √2 इनटू tan inverse a, √2 इसके साथ जाएगा √2 इनटू t प्लस c, √2 √2 से कैंसिल, 3 / 2 √2 tan inverse √2 t की वैल्यू यहां से रख देंगे x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, यानी 3 by साफ देख लिया, यानी ये 3 by 2 root 2 है, 3 by 2 root 2 tan inverse root 2 x square plus c। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x square upon 1 minus x power 6, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6 ऑफ dx, 1 माइनस x पावर 6 ऑफ dx। तो यहां से हम ऐसा करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इसको एक तरह से अरेंज कर लेते हैं, ये x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इसको x क्यूब का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो x पावर 6 हो जाएगा। अब यहां से लेट कर लेते हैं, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा d by dx of x cube is equal to t का x के रिस्पेक्ट में dt by dx, या ये हो जाएगा 3x square dx को इधर मल्टीप्लाई कर दें dx is equal to dt, या 3 को इधर ट्रांसफर कर दें भाग हो जाएगी जो है, तो x square dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी dt by 3, dt by 3 और x की क्यूब की वैल्यू क्या है t, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखिए x स्क्वायर dx के प्लेस पे dt by 3 रखेंगे, 1 by 3 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब इक्वल टू t लिखेंगे, ये t स्क्वायर हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये कैसा बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऑफ dx का रूप बन गया। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए 1 अपॉन 3 log a प्लस x यानी 1 प्लस t अपॉन a माइनस x, a प्लस t अपॉन 1 माइनस t और प्लस c हो जाए, t की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 3 log 1 प्लस t की वैल्यू हमने यहाँ से लेट किया है x क्यूब, तो 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब प्लस c, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखते हैं आंसर यही मिल गया या और जो इसको एक्सपेंड किया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, 1 अपॉन 6 लॉग 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 माइनस x क्यूब, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ से कुछ छोटा हुआ तो नहीं है, इसको एक बार हम लोग देखिए मिला लेते हैं, ये 1 अपॉन 2 ये होता है फार्मूला, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 3 तो है ही है, 1 अपॉन यहाँ से इसको करेक्ट करना होगा, ये देखिए 1 अपॉन 3 ये ऑलरेडी है ही है, इंटू 1 अपॉन 2 ए बराबर क्या आपका ए है, देखिए 1 अपॉन 2 ए इंटू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई 6 मिल जाएगा, 1 बाई 6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स क्यू। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक मिनट, हाँ साहब हो तो रहा है,
सही दिख नहीं पा रहा। इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ डी एक्स। चलिए इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑफ डी एक्स। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स 2x into dx is equal to dt हो जाएगा, x into dx is equal to dt by 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसी को यहाँ से, तो x dx के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे इसमें dt by 2 यानी 1 by 2 को बाहर कर लेते हैं, 1 upon root x square के प्लेस पे क्या t लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा t minus 1 t माइनस वन माइनस वन अपान ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू इसको हम लिख सकते हैं t माइनस वन का के पावर माइनस वन बाई टू ऑफ डी टी, डी टी यहाँ होगा और माइनस ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डाइट का है, तो यहाँ से इसका क्या लाग एक्स और प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये इसका ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वन बाई टू टी माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो वन बाई टू मिलेगा, अपन यहाँ पे वन बाई टू हो जाएगा माइनस लाग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये तो टू इस टू से कट जाएगा, इसका मतलब टी माइनस वन की पावर हाफ है, इसको टी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इसकी पावर हाफ का मतलब ये रूट में हो जाएगा माइनस लाग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं बस, बहुत काफ़ी गर्मी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर सेवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लाग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे जितने भी ग्रुप हैं हर ग्रुप में आप जो है शेयर कीजिए ताकि लोग उनसे जुड़ें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।